एक और क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स आर इन्वॉल्व्ड। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कहता है, बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स एसपी ऑफ 11 मीटर्स। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन, बट बहुत ही आसान है, इसको समझते हैं। सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ मतलब एसपी ऑफ 33 मीटर्स, तो हमने मतलब खरीदा भी 33 मीटर्स था, मतलब सीपी ऑफ 33 मीटर्स। अब हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, गेन हो रहा है, बट गेन कितना है, गेन है एसपी ऑफ 11 मीटर्स। तो हम यहां पर लेते हैं एसपी, या फिर ऐसे लेते हैं 33 मीटर ऑफ एसपी माइनस 33 मीटर ऑफ सीपी इज इक्वल टू 11 मीटर ऑफ एसपी। इसको अब इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 22 मीटर ऑफ एसपी माइनस 33 मीटर ऑफ सीपी इज इक्वल टू जीरो, या फिर 22 मीटर ऑफ एसपी इज इक्वल टू 33 मीटर ऑफ सीपी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो हमको आंसर करने में हेल्प करेगी। अब हम क्या करेंगे, सीपी अज्यूम कर लेंगे, 33 मीटर जो सीपी है, 33 मीटर क्लॉथ का, उसका कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लो 33 रुपीस। तो मतलब 22 मीटर का कॉस्ट प्राइस हो गया 22 रुपीस, 22 रुपीस कॉस्ट प्राइस है, और 22 एसपी का कॉस्ट प्राइस, 22 एसपी का प्राइस कितना है, 33 सीपी के बराबर। मतलब 22 मीटर का हमने खरीदा 22 रुपये में, लेकिन बेचा 33 रुपये में, प्रॉफिट कितना हुआ, 11 रुपये प्रॉफिट हो गया। 11 रुपये प्रॉफिट हुआ हमको 22 रुपये का, जब हमने सामान खरीदा, तो 22 रुपये का सामान खरीदा, 11 रुपये प्रॉफिट हुआ, बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया 50%, जो कि हमारा गेन परसेंटेज था। तो हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लिया, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट को यूज़ किया। अगर हम स्टेटमेंट को यूज़ ना करते तो हम इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेटमेंट में ही जो क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक, इस क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि 33 मीटर्स का एसपी जो है वो 33 मीटर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 33 मीटर्स का जो एसपी है उसमें से 33 मीटर्स का सीपी निकालेंगे तो 11 मीटर्स का हमारे पास एसपी आ जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हमने यूज़ करके एक इक्वेशन बना ली और हमने बड़ी आसानी से आंसर यहाँ से क्रिएट कर लिया। एंड में हमने क्या किया, एंड में हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर लेंथ के मीटर के क्लॉथ का निकाल लिया। तो हमने 33 मीटर के का कॉस्ट प्राइस, हम वी कैन नॉट कंपेयर इट विद 22 मीटर्स ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हमने 22 मीटर के कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, जिससे हम उन दोनों को कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप फाइव का। टाइप फाइव का क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज 2000 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन द आर्टिकल एंड व्हेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% आर गिवन ऑन द आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिस्काउंट दिया है 15% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 10%। तो जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स या दो सक्सेसिव एडवांटेजेस या दो सक्सेसिव प्रॉफिट्स आते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पर ए या यहाँ पर प्लस या माइनस कब आएगा, जब हमको एडवांटेज या प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस आएगा, जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, सक्सेसिव डिस्काउंट है 10%, दो बार 10% डिस्काउंट दिया गया है तो इसलिए माइनस आएगा, मतलब 10 × 10 अपॉन 100। तो ये कट गया, हमारा आ गया 20 − 1 इज इक्वल टू 19%। तो दो हमने जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए उनकी वैल्यू इज इक्वल टू 19% अगर वो एक बार डिस्काउंट दिया जाता, या तो आप दो बार डिस्काउंट दे दो 10%। अब इसको देखते हैं, 100 रुपये की चीज़ है, एक बार डिस्काउंट दिया 10 रुपये, 10 रुपये डिस्काउंट दिया 90 रुपये रह गए, इस पर हमने 10 रुपये डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 9 रुपये, कितना 81। क्या तो हम दो बार 10% डिस्काउंट दे दें तब भी 81 आएगा, या फिर हम एक बार 19% का डिस्काउंट दे देंगे 100 रुपये पे तो भी आंसर हमारा 81 ही आएगा। तो इससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज 2000 when the discount of 15% is given on the article and when two successive discounts are given on the article। दो successive discounts दिए गए 19% हो गया, एक discount दिया गया 15% हो गया, cost हमारे पास दी हुई है 2000 रुपये, तो हमारा selling price आ जाएगा। selling price 15% discount दो, 19% discount दो, difference कितना हुआ 4% का, 4% selling price का difference हुआ 2000 के cost price पे, तो 2000 का 4% निकाल लेंगे, वो हमारा selling price का difference आ गया। इस तरह से हमने ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इस फॉर्मूला की हेल्प से।
ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, तो इसको याद रखना, इसको समझना और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। क्वेश्चन कहता है, अ डिसऑनेस्ट डीलर, अब ये डिसऑनेस्टी का केस है लेकिन मिसलेनियस में डाला हुआ है क्योंकि इसमें वो फॉर्मूला यूज हो रहा है। अ डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड्स टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स परसेंट इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग गुड्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। तो उसने क्या किया, डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड करता है जब वो खरीदता है, व्हेन ही बायज देन ऑल्सो ही गेट्स एडवांटेज ऑफ एक्स परसेंट, एंड व्हेन ही सेल्स देन ऑल्सो ही गेट्स एडवांटेज ऑफ एक्स परसेंट। तो वो दो बार एक्स परसेंट का एडवांटेज ले रहा है फॉल्टी वेट के थ्रू, तो उसका गेन परसेंट और टोटल आउटवेट आउटले पे निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें बस फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है, हमें आंसर नहीं निकालना है बिकॉज हमें कोई फिगर नहीं दिया। इस क्वेश्चन में उसने एक बार यहाँ पर एडवांटेज लिया बाय करते टाइम और एक बार सेल करते एडवांटेज लिया, तो क्वेश्चन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पर प्लस ही लगेगा बिकॉज दोनों बार एडवांटेज हो रहा है, कहीं पर भी डिस्काउंट इन्वॉल्व नहीं है। मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसका आंसर ये आ गया, ये फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चंस SSC में भी पूछे गए, ये सेम क्वेश्चन SSC CGL 2016 फेज 2 या फिर टायर 2, SSC CGL 2016 टायर 2 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस SSC में भी पूछे जाते हैं, RBI में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चंस क्रिएट ज़रूर किए जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को और इन फॉर्मूलाज को याद रखें जिससे हम इन तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी आंसर कर सकें। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मार्क प्राइस केसेस का। द क्वेश्चन सेज अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो ट्रेडर ने क्या किया, पहले 40% मार्कअप किया अपने गुड को और फिर डिस्काउंट दिया 25% का, तो उसका गेन या लॉस कितना होगा वो हमें निकालना है। पहले इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर इसको हम फॉर्मूले के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल वे क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर लिया 100 रुपये, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 40% ऊपर है, 100 रुपये पे 40%, 40 रुपये, मतलब मार्क प्राइस हो गया 140 रुपये, और डिस्काउंट उसने कितना दिया, डिस्काउंट दिया 25%। हमने देखा था कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट हमारा आया 25% ऑफ 140 रुपये, जो कि आता है 35 रुपये। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 35 रुपये हमने डिस्काउंट उसको दिया, तो मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, विच वुड बी 105 रुपीज। तो हमने 105 में वो सामान फाइनली बेच दिया, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया हमारा 5%, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिया जाता है, प्रॉफिट हमारा 5 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट हमारा 5% आ गया। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यहाँ भी माइनस आता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर प्लस लगाएं कहाँ पर माइनस लगाएं, तो इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस या माइनस कहाँ पे लगेगा वो हमको देखना है। अब यहाँ पर प्लस आता है, x और y के बीच में प्लस आता है जब हम दो चीज़ दोनों प्रॉफिट पे बेच रहे हैं या फिर दोनों डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। जब हम दोनों प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, तो प्लस प्लस आएगा। जब हम दोनों डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो क्योंकि दोनों डिस्काउंट पे हैं तो दोनों जगह माइनस लगाना नहीं होता है, हमको यहाँ पर प्लस लगाना होता है, लेकिन क्योंकि हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो हमको ओवरऑल कुछ ना कुछ लॉस होगा, हम वो लॉस के लिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, हम वो लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और दोनों डिस्काउंट्स के केसेस में डिस्काउंट्स के बीच में एक्स और वाई के बीच में प्लस आता है। अब तीसरा केस होता है जहाँ पर एक प्रॉफिट है एक डिस्काउंट है, वहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट प्लस होगा डिस्काउंट माइनस होगा, और बिकॉज हमको प्रॉफिट और डिस्काउंट की वजह से कुछ ना कुछ लॉस या कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर हमारा x इंटू वाई अपॉन 100 के बीच में हमने माइनस लगा दिया। तो ये तीन केसेस बनते हैं, या तो प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, या लॉस लॉस होगा डिस्काउंट डिस्काउंट, या प्रॉफिट लॉस होगा। ये तीन केसेस में प्रॉफिट प्लस या माइनस की साइंस इस तरह से लगाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या चलेगा हमारा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे साथ क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक प्रॉफिट है एक डिस्काउंट है, तो इस केस में हम लोग x को प्लस लेंगे, मतलब प्लस 40, माइनस 25 क्योंकि एक डिस्काउंट है एक लॉस है, माइनस x इंटू वाई दैट इज 40 इंटू 25 अपॉन 100। इसको अगर हम निकालेंगे 40 माइनस 25 माइनस 10 विच विल बी
5, तो ये 5% हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया, क्योंकि ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो 5 हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूले के थ्रू बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं इफ़ वी नो हाउ टू यूज़ दीज फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि प्लस और माइनस कहाँ पर यूज़ करना है। ये हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया है कि प्लस कहाँ पर यूज़ करना है, माइनस कहाँ पर यूज़ करना है, और आपको यहाँ पर बताया गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ डीलर परचेज द वॉशिंग मशीन फॉर ₹7,660। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। हमको मार्क प्राइस निकालना है मशीन का। उसने मशीन कितने की खरीदी, 7,660 की। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 12% का मार्क प्राइस पे, और फिर भी उसने 10% प्रॉफिट कमाया। तो मतलब सीपी 7,660 था, सीपी यहाँ पे लेते हैं 7,660 प्लस 10% उसने प्रॉफिट कमाया, तो एसपी हो गया 7,660 प्लस 10% ऑफ 7,660, क्योंकि हमारे साथ प्रॉफिट हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं। अब हम एसपी क्या आ गया है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस हमारा जो भी है उस पर उसने 12% डिस्काउंट दिया, जिसके बाद उसे मार्क प्राइस मिल गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें तो हम किस तरह से कर पाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमसे मार्क प्राइस पूछा गया है, हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज नहीं पूछा गया है, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बाय 100, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ पूछी ही नहीं है। पूछा क्या गया है, मार्क प्राइस निकालना है हमको। मार्क प्राइस हम लोग रख लेते हैं x, मार्क प्राइस हमको फाइंड आउट करना है कि वो क्या है। अब हम लोगों के पास इक्वेशन बन सकती है, हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। तो हमको 10% ऑफ 7,660 मतलब आ गया 766 हमने 7,660 में ऐड किया तो हमारे पास आया 8,426। ये 8,426 हमारा हो गया एसपी। एसपी पे हमने 12% हमको प्रॉफिट मिला है। अब एक्स हमारे पास मार्क प्राइस है, 12% हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, और हमारे पास इसका आंसर आ गया 8,426। अब 12% ऑफ एक्स इंटू 100x हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 88% ऑफ एक्स। 88% जो है वो 8,426 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 100% हो जाएगा 8,426 अपॉन 88 इंटू 100। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से ईजिली 9,575। ये 9,575 हमारा मार्क प्राइस हो गया। तो मार्क प्राइस हमने इस तरह से, ये जो हमने चेन बनाई, इस चेन के थ्रू हमने ईजिली फाइंड आउट कर लिया कि हमारा मार्क प्राइस क्या है। अगर हम ये चेन नहीं बनाते तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो हम रफ में एग्जाम में ये चेन बना सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं आंसर को। लेट्स लेके चलते हैं चेन ऑफ परचेज एंड सेल, कुछ खरीदा और कुछ बेचा। मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम एट अ गेन ऑफ 20%। मोहित है, ये करीम है और ये रहीम है। मोहित ने करीम को 20% प्रॉफिट पे एक सामान खरीदा, वॉच बेची। करीम ने रहीम को यही वॉच आगे बेच दी एट अ गेन ऑफ 25%। तो अगर मोहित ने 100 रुपये की खरीदी तो ये 120 की करीम ने खरीदी, 120 की करीम ने खरीद के 25% प्रॉफिट पे रहीम को बेच दिया। रहीम ने कितने की खरीदी, 125% जो कि आ गया 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ या फिर 150% टोटल रहीम ने पे किए। 150% हमारे पास दिया हुआ है कितना, 900। 900 रुपीज़ इज इक्वल टू 150%। तो मोहित ने कितने की खरीदी, हमको निकालना है 100% क्या है, 100% क्योंकि मोहित ने पे किया था, मोहित का कॉस्ट प्राइस था 100%। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे 1% कितना हो गया, 900 अपॉन 150। और 100% अगर हमें निकालना है तो वो कितना होगा, 900 अपॉन 150 इंटू 100, आंसर आ गया हमारा 600 रुपीज़। तो 600 की मोहित ने खरीदी, मोहित ने 20% मार्कअप करके उसको करीम को बेच दिया, और करीम ने फर्दर 25% प्रॉफिट लगा के रहीम को बेच दिया, और रहीम ने अफेक्टिवली 150% प्राइस पे किया। तो चेन ऑफ परचेज एंड सेल जब इस तरह से इन्वॉल्व होता है तो इस तरह से चेन बना लेनी चाहिए जिससे ईजी हो जाए। और ये चेन में जो भी आप ले रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ में 900 दिया हुआ है, तो हर चीज़ को परसेंटेज में लेके चलिए जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करना ईजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश करेंगे।
ए सेल्स अ वॉच टू बी एंड मेक्स अ लॉस ऑफ 12%। एस एस सी सी जी एल 2016 में आया हुआ है। ए ने सेल करी बी को वॉच और लॉस हुआ उसका 12%। तो अगर 100% की वॉच थी तो उसने 88% में बी को बेच दी। बी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25/2% बाय सेलिंग द वॉच टू सी। बी ने 25/2% प्रॉफिट कमाया और वो सी को बेच दी। 25/2% होगा 1/8। 1/8 25/2% को अगर हम निकालेंगे तो 1/8 आएगा। इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन हैं उनको याद रखना जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू सेव टाइम। एग्जाम में ये कैलकुलेशन दी जाती हैं, इस तरह के नंबर्स दिए जाते हैं सो दैट यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च कर दें और आप कम क्वेश्चन कर पाएँ। तो 25/2% 1/8 होता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 88 × 1/8 + 1। इससे हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हम लोग इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1/8 of 88, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, मतलब 11 रुपये प्रॉफिट। 88 रुपीज़ पे 11 रुपये प्रॉफिट, मतलब सी ने 99 का खरीदा या फिर बी ने सी को 99 का बेचा। तो ए ने बी को 12% लॉस पे बेचा 88 रुपीज़ में, 88% पे। बी ने सी को 25/2% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 99 रुपीज़ में बेचा। इफ़ ए सेल्स द वॉच टू बी एट द कॉस्ट ऑफ विच सी परचेज्ड इट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। इफ ए सेल्स द वॉच टू बी एट द कॉस्ट ऑफ विच सी परचेज्ड इट, अगर ए ने इस प्राइस पे बेचा होता जिस प्राइस पे सी ने खरीदा है, सी ने किस प्राइस पे खरीदा है, 99 पे, अगर ए ने इस प्राइस पे बेचा होता, मतलब अगर ए ने 99% पे बेचा होता तो फिर ए का प्रॉफिट या लॉस क्या होता, क्योंकि ए ने 100% पे खरीदा है और उसने 99% पे बेचा है, मतलब उसका लॉस आ गया 1%। तो हमारा आंसर हो गया 1%। किस तरह से आया, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। देखिए क्वेश्चन कहता है, इफ ए सेल्स द वॉच टू बी एट द कॉस्ट ऑफ विच सी परचेज इट, अगर ए ने उस प्राइस पे बेचा होता जिस प्राइस पे सी ने खरीदा है, सी ने किस प्राइस पे खरीदा है, 99 रुपीज़ में खरीदा है, अगर ए ने उस प्राइस पे बेचा होता तो फिर ए का प्रॉफिट या लॉस क्या होता, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज इट वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको समझते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वाड्रेटिक, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग अ ट्रेपेजॉइड फील्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेपेजॉइड कैसा होता है, ये अगर आप क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि ट्रेपेजॉइड होता कैसा है तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रेपेजॉइड फील्ड का कॉस्ट जो है प्लोइंग करने का, वो है ₹1.75 per square meter इज ₹567। टोटल 567 रुपीज में ये जो फील्ड है ये आप प्लो कर सकते हो, ये आप ट्रिम या प्लो कर सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ 1.75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास इससे आ जाएगा एरिया स्क्वायर फील्ड का, ये पेरीमीटर नहीं बता रहा, ये बता रहा है पूरी फील्ड आपको प्लो या ट्रिम करनी है और आपका रेट है 1.75 रुपीज़ लेते हैं एक स्क्वायर मीटर के, टोटल रुपीज़ लगा हमारे 567 रुपीज़ लगे, तो अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 324 स्क्वायर मीटर। कैसे, 324 स्क्वायर मीटर हमको प्लो करना था, हमने ₹1.75 लिए पर स्क्वायर मीटर के, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 567 रुपीज़, जितना खर्चा पूरा हुआ हमारा हुआ, तो इसको रखते हुए हमने एरिया निकाल लिया। द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 8 मीटर्स, जो पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है, इसको एक्स लें इसको वाई लें, तो वाई माइनस एक्स हमारा हो गया, या फिर हम इसको लेते हैं y और इसको लेते हैं x, जिससे इजी हो जाए, x माइनस वाई हमारा हो गया 8 मीटर्स, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। एंड द परपेंडिकुलर डिफरेंस बिटवीन देम इज 24 मीटर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 24 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस हमें एरिया में हेल्प करता है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डी वन प्लस डी टू इंटू एच। अब ये दिया हुआ है हमें 324 स्क्वायर मीटर के बराबर, एच हमारे पास ऑलरेडी है 24 मीटर्स, डी वन प्लस डी टू निकालना है, इससे हम इजीली डी वन प्लस डी टू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से हम लोगों ने डी वन प्लस डी टू निकाल लिया जो आ गया हमारा 27। डी वन प्लस डी टू मतलब एक्स प्लस वाई, दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स, तो हमने एक्स प्लस वाई निकाल लिया 27, एक्स माइनस वाई हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 8, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशंस के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, वाई वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 35, एक्स हमारा आ गया 17.5 हमारा एक्स आ गया, वाई की वैल्यू डाल के हम लोग वाई निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू डाल के हम लोग वाई निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं,
जो IBPS में या फिर RBI में पूछे जाते हैं। SSC में इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट पूछे जा सकते हैं। तो आप इक्वेशंस को इग्नोर ना करें, इक्वेशंस को भी साथ साथ कवर कर लें व्हेन यू आर कवरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस और इक्वेशंस को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप 8। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 9 से आगे लेके चलेंगे और समझेंगे और कौन से टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस में किए जा सकते हैं।